असली अमन को तो ये पकड़ते नहीं, अभी दिखाऊंगा आपको। तीन बंदे पर्चे सस्पेंड हुए हैं, बोला इन्होंने सरदार जी। नहीं नहीं एक मिनट सुनो, बाद में फिर मंच सुनो, दोनों बातों में फिर छोट तो मेरे मेरे आप एक मिनट मेरे सुनो, दोनों पहले मल्होत्रा जी, आप यहाँ जनता दरबार में आए थे, क्या मामला लेकर आए थे? मैं सर ये लेके आया था, मैंने पहले दे रखी 3 महीने हो गए डीलिंग के लिए, वो अभी तक नहीं हुई। नंबर दो, मेरा एक प्लाट 515 गज का था, अप्रूव्ड था, इसके मैंने 61,200 कितने रुपए भरे हैं जी। उसके बाद मैंने लड़के के नाम 400 गज ट्रांसफ़र करी, 44 गज मैंने बेची, 44 गज जिसे बेची उसका अप्रूव्ड दिखाने लग रहे, बाकी जो मेरी 70 गज बची वो भी अप्रूव्ड दिखा रहे, 400 गज अनअप्रूव्ड दिखा दी। और मेरे को 20 दिन हो गए इनके पास चक्कर काटते हुए, कोई सुनता नहीं बात है जी, बेइज्जती करके अगे से उनकी बेइज्जती कर देते हैं। कौन करता है आपकी बेइज्जती? यही जो ये बिल्डिंग ब्रांच वाले हैं जी। तो अभी आप आंखों में आप आंसू है, क्या कारण है आपका? अरे ये 6 महीने हो गए सर, परेशान हो गए, मेरे को एलर्जी होगी जा जाके वहाँ पे, इतना मतलब गर्मी में मेरे को डॉक्टर ने मना करा हुआ धूप में निकलने। यानी कि एक प्लाट है जिसमें आधा आपने बेच दिया, वो तो अप्रूव कर दिया और बाकी नहीं? 400 गज मैंने लड़के के नाम पे करी जी, उसे अनअप्रूव कर दिया, जबकि मेरा प्लाट अप्रूव था। 70 गज मेरी बची है वो भी अप्रूव दिखा रहे हैं, 44 गज मैंने बेची है वो भी अप्रूव है, लड़के वाली अनप्रूव्ड कर दी। जो मेरे कॉलोनी से हैं आप? ये मिशन दास कॉलोनी आई, जो आपका प्लाट था वो कहाँ पर? मिशन दास कॉलोनी में। मिशन दास कॉलोनी में, हाँ जी। जो 400 गज का प्लाट बेचा है, हाँ या बेचा नहीं, लड़के का नाम ट्रांसफर किया, वो भी मिशन दास कॉलोनी में आई, उसे अनप्रूव्ड कर दिया इन्होंने, हाँ जी। जबकि डेवलपमेंट चार्ज भी मैंने जमा करे 61,000 कुछ रुपए, हाँ जी, और फिर अनप्रूव्ड कर दिया। अब बात नहीं सुनते ना बात करें के जी, पंचकूले जाओ जरा सी जाके पूछते हैं। तो इसके लिए आप मदन चौहान जी से मिले, मेयर मदन चौहान जी से, बिल्डिंग जो अधिकारी हैं उनके अलावा? नहीं, मदन चौहान जी को भी कहा, उन्होंने आज बुलाया था मेरे को यहीं पे। तो सर आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर जनता दरबार लगाया गया, क्या लगता है आपकी फरियाद को यहाँ सुना जाएगा आने वाले समय में? मेरे को तो मैडम 6 महीने हो गए, मैं परेशान हो गया, मेरी 10 प्लाटों की इन्होंने आईडियाँ खत्म कर दी हैं, जो दूसरों में डाल दिया इन्होंने, जो 30 साल से मेरी बनी हुई थी आईडियाँ है जी, वो इन्होंने दूसरों में डाल दिया। मैं इतना परेशान हो गया 6 महीने, मैं बल्कि यूएसए में बेटे के पास जाना था, टिकट मेरे को मतलब रुकना पड़ा इसी चक्कर में। सर अभी अभी आप मेयर मदन चौहान से मिले हैं, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जनता दरबार में, क्या आश्वासन मिला समस्या को लेकर? अब ये कह रहे हैं बैठ जाओ, ये तो मैं डेली 6 महीने से मेरे 2 घंटे डेली लग जाते हैं ये कमेटी घर में, कोई दिन खाली नहीं जाता, बैठने का आश्वासन दिया। हाँ बस 2 घंटे मेरे डेली, 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं कमेटी घर में, मैं डेली आता हूँ, 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं, कुछ हाल नहीं निकलता। जनता दरबार लगा हुआ है, उससे पहले भी आप जनता दरबार में गुहार लेकर आए हैं? नहीं, मैं पिछली बार नहीं आया, मैं तो डेली कमेटी घर जाता हूँ जी, कमिश्नर तक को मैं मिला जी। नहीं पिछली बार नहीं, मतलब पहली बार आप जनता दरबार में? पहली बार आए। एक बार फिर से जिला यमुनानगर के मेयर हाउस में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। तमाम तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर यमुनानगर के कोने कोने से जो फरियादी हैं वो अपनी अपनी फरियाद को लेकर आज इस जनता दरबार में पहुँचे हुए हैं, और नगर निगम के मेयर मदन चौहान के अलावा जितने भी अधिकारी हैं मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जनता की समस्याएँ उन्हीं की जुबानी सुनी जा रही हैं। और उसके तो आप देख सकते हैं जनता दरबार एक तरफ चल रहा है और दूसरी ही तरफ मेयर मदन चौहान के मेयर हाउस में ये जो कुर्सियां हैं ये भी कहीं ना कहीं खाली नज़र आ रही हैं। दोस्तों जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए थी वहां पर दूसरी ही तरफ जो कुर्सियां हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस जनता दरबार में विश्वास भी नहीं जता रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है सिर्फ एक नाम का यहाँ पर जनता दरबार आयोजित किया जा रहा है। सही मायने में जनता दरबार वो होता है जहाँ पर फरियादियों की जितनी भी फरियाद हैं उनका समाधान होता है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि समाधान होता भी है और बहुत से लोगों का मानना है कि समाधान नहीं होता। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यमुनानगर के कोने कोने से जो जिलावासी हैं यहाँ पर अपने अपने वार्ड से संबंधित जितनी भी समस्या है उसका समाधान लेने के लिए या समाधान निकलवाने के लिए मौके पर पहुँचे हुए हैं। एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, एक बार जरूर जानेंगे इस महिला से, क्या नाम है आपका? चंचल रानी। चंचल, हाँ जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं बैंक
कॉलोनी से। पहली बार आई है जनता दरबार में? पहली बार। क्या लगता है जनता दरबार में सुनवाई होगी आपकी? पता नहीं मेरे को तो अभी कुछ नहीं पता। पहली बार समस्या क्या है आपकी? मेरा टैक्स माफ करवाना, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। तो इससे पहले कहीं पर गई हैं आप नगर निगम में? नहीं, नहीं गई। पहली बार आई हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर जो लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं माइक में, क्या लग रहा है, समाधान हो रहा है उनका? पता नहीं जी, मेरे को तो अभी तो पता नहीं, पहली बार आई हूं। माता जी, क्या नाम है आपका? रानी। रानी, रानी कहाँ से आई हैं आप? कैंप से। कैंप से आई हैं, क्या है आपकी समस्या? हमारी कच्ची छत है, बेचारी गिरने हो रही है, गरीब है तो बहुत है। जनता दरबार आप लोगों के लिए लगाया गया है, इससे पहले कितनी बार आई हैं? एक बार पहला आया था, आए बस दो। तो पहले जब आए थे उसमें यही समस्या रखी थी अपनी? हाँ जी। तो उसका समाधान नहीं हुआ था? ना, नहीं हुआ नहीं, था ना। तो क्या कहा था उस समय आपको? जब कह रहे थे फिर आना, अब लगाया, अब आया। अब आए हो? हाँ जी। क्या लगता है समस्या का समाधान होगा? होएगा, होएगा। लग रहा है आपको? हाँ जी, हो लग रहा है जी। क्या नाम है आपका? खुर्शीदा। खुर्शीदा, खुर्शीदा कहाँ से आई है? तेजली से। तेजली, क्या समस्या है? बहुत सारा पानी अंदर जा, जिक्र बार बार सुखरी अंदर, कितनी मार को बुरा हाल है, अपने बच्चों ने बैठी रहो भी जा, सारा बेकार। पहली बार आई है जनता दरबार में? आए थे जी, पहले मतलब मेरा घर वाला आया था। किससे मिले थे वो? इसी ते घर भी गए मारे ये मेरा मदन चौहान। हाँ, कितने समय से लड़ रही है इस समस्या से? बस मैं पानी तो, की जो समस्या कब से आ रही है? पानी की तो दिक्कत हो रही है। नहीं, कितने समय से समस्या आ रही है पानी बहुत की? दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, समाधान नहीं हुआ अभी तक। क्या लग रहा है आज यहाँ पहुँची है, समस्या का समाधान होगा? कोई हल निकलेगा इसका? ना। नहीं, हल निकलेगा इसका कोई? नहीं, ठीक होगा, ठीक। तो थोड़ा सा महिलाएं जनता दरबार में अपना विश्वास जताती नजर आ रही है, उनका मानना है कि समस्या का समाधान यहाँ पर जरूर होगा। क्या नाम है आपका? चंपा रानी। चंपा रानी कहाँ से आई है? जगाधरी से, वार्ड नंबर 4 से। वार्ड नंबर 4 से। समस्या तो बैठे हैं, कागज ले रही, दो लड़के थे वहाँ गुजर गए, आदमी वो गुजर गया, मेरा पोता 17 साल का, इसमें न किराया दूँ, 1 साल 65 रुपये का प्लाट पड़ा, धक्के खा खा कर बैठ के बैठे, मेरा नंबर भी आ प्लाट मानने का, आज तक नहीं मिला, मैं किसके किराए भाड़े खर्च का फिर बैठे, मेरी बहुत मेरी मकान वाली समस्या रहती है। हाँ जी, क्या क्या है समस्या? ये मेरा प्लाट बना लड़के का, लड़का तो गुजर गया, ये मिल जाते मुझे पैसे, मैं प्लाट बना देती। प्लाट बनाना चाहती हैं? हाँ जी। पोता क्या काम करता है आपका? 17 साल का बेटी, वो छोटा सा ही है। हाँ। पढ़ाई कर रहा है वो? उसका भी ये प्लाट बन लग गया, मैं चल के जा रहा हूँ, इतना गुंडा कट गया बेटी उसका भी, मेरी बात क्या कर। पहली बार आए हो यहाँ पर? नहीं, पहले भी आई थी। क्या कहा था पहले इन्होंने? तो मैं उम्मीद जी, उन्होंने मेरे कागज भी नहीं दिया। समाधान तो नहीं हुआ इसका? ना। अभी आ जाइए, क्या लग रहा है समस्या का समाधान होगा? आज कह रहे भी सर भी हो जाएगा, वहाँ से भी जा किसी वजह किराएदार लेगा। महिला बहुत ही ज़्यादा भावुक होती नज़र आ रही है दोस्तों, जिसका जवान मतलब बेटा नहीं है और जो बेटे हैं, जी हाँ, सभी जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, दर दर की ठोकरें यहाँ पर खा चुकी है पहले भी आकर, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आने वाले समय में ही देखना होगा दोस्तों, क्या इस जनता दरबार में इस महिला के साथ साथ दूसरी महिलाओं की जो समस्या है उन्हीं की जुबानी आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है, क्या इसका कोई समाधान, कोई निपटारा निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर मैं आपको यमुनानगर के मेयर हाउस से दिखा रही हूँ, जहाँ पर जनता दरबार कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा होती नज़र आ रही है, लेकिन बीच में ही जब देखा गया कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खाली नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या जनता दरबार में लोग अपना विश्वास जता रहे हैं? महिलाएं तो कह रही हैं कि जनता दरबार में उनकी जो फरियाद है वो सुना जाएगा और उसके बाद उसका जो हल है, समाधान है, वो भी सामने आएगा। फिलहाल अभी तक जो लोग हैं अपनी अपनी समस्या मेयर मदन चौहान और जो अधिकारी हैं उनको बता ही रहे हैं अपनी ही जुबानी माइक के ऊपर, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में ही देखना होगा कि जनता दरबार सिर्फ नाम नाम का ही जनता दरबार लगाया जा रहा है या यहाँ पर वाकई में ही फरियादियों की फरियाद को सुना जा रहा है। यमुनानगर के कोने कोने से जो लोग हैं अपने अपने वार्ड से संबंधित जितनी भी समस्या है उसे लेकर इस जनता दरबार में पहुँचे हुए हैं। मेयर वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मेयर हाउस से मनदीप कर की रिपोर्ट।